लड़कियां जींस के नीचे क्या चीज पहनती हैं? Oh no! 18 साल के बाद लड़की क्या देने लायक हो जाती है? Oh no! 18 साल के बाद लाल कलर का जो निशान दिख रहा है इसको दबा दें और घंटे के निशान को भी, तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अरमान, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरमान नवाजी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों वीडियो ये है, आज मैं ये बंदे हैं मेरे पास, आज मैं इनसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, देखते हैं ये सवालों का क्या जवाब देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? रेडी हो? लड़कियाँ जींस के नीचे क्या चीज़ पहनती हैं? ओह नो, जींस के नीचे क्या पहनती है? जो भी मतलब जहन में आ रहा हो वो भी बता दो बस मुझे। हमें तो पता नहीं। नहीं भाई, सवाल बताओ, पता नहीं है इस बात समझो को लेना नहीं, मुझे बताओ कि लड़कियां जींस के नीचे क्या पहनती हैं? आपको पता है? सिंपल सवाल है। नेगर नेगर पहनती हैं जींस के नीचे? सोच तो बदलो यार, कुछ और सवाल है, कुछ और ट्राई करो। नेगर नहीं, नहीं मतलब चप्पल हमने राइट चप्पल, लड़कियाँ जींस के चप्पल पहनते हैं, तो थोड़ा सोच के बदलो यार, ठीक है ना? भाई ने सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल यह है एक कुंवारी लड़की के शरीर में कितना लीटर दूध होता है? अभी क्या कह रहा? ज्यादातर जो दूध होता है मतलब गाय भैंस के नीचे होता है। अच्छा, लड़की के नीचे दूध नहीं होता? नहीं तो है? नहीं तो होगा तो, लेकिन माँ बनने के बाद होगा वो तो। नहीं, सवाल मैंने ये किया कि कुंवारी लड़की के शरीर में कितने लीटर दूध होता है, ये साइंस का सवाल है। कितने लीटर दूध? हाँ, स्कूल तो गए होंगे आप? तो स्कूल में पढ़ा नहीं आपने? नहीं, ये साइंस पे पढ़े नहीं है मतलब? नहीं, ये नहीं पता था मैं टीचर। हाँ, ये नहीं पढ़ा। मतलब कुछ आइडियाज वगैरह कुछ बताओ, मतलब ये साइंस का सवाल है। तो भैया मतलब ये तो मतलब लड़की जो है भैंस थोड़ी ना है कि जो इतना दूध देंगी, या मतलब कितना दूध होगा, मतलब ये तो भैंसों के नीचे होता है ना? मतलब होता है, साइंस ने खोज करी है कि कुंवारी जो लड़की होती है उसके शरीर में कुछ लीटर दूध होता है, तो कितना होता है बस यही जानना था। भाई ये पता नहीं, नहीं पता। बता दो आप, बताओ। ये लड़की के शरीर में दूध होता है 1.5 यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर तक, सर्च कर लेना आप यूट्यूब वगैरह पे जो भी हो, ठीक है ना? तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं, 18 साल के बाद लड़की क्या देने लायक हो जाती है? Oh no! 18 साल के बाद हाँ, लड़की क्या देने लायक हो जाती है? क्या है ऐसा? आप क्या हाल है? ठीक है भैया, अल्लाह शुक्र है, तो बता। तुम तो हम कल हमारी लड़ाई करवा के चले गए थे, कहा यहाँ प्रैंक कर रहे थे कल, तो भैया यही काम हमारा प्रैंक करने का। अच्छा भैया, आजा सवाल पूछ रहे, तू जवाब दे, आजा इधर आजा पीछे। मतलब 18 साल के बाद लड़की क्या देने लायक हो जाती है? सवाल जवाब सोच के देना, क्योंकि इस वीडियो को बुजुर्ग भी देख रहे हैं, लड़कियाँ भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो सवाल जवाब जो है इसका बहुत सोच समझ के और सही तरीके से देना है। हाँ, 18 साल के बाद लड़की क्या देने लायक हो जाती है, बताओ। ये तो हमें नहीं पता। हुँ? ये तो हमें नहीं पता। हाँ तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना, नहीं पता तो मतलब, बताओ। आप तो मतलब ऐसे कर रहे कि हमारी सोच मतलब बदल ली सवालों के हिसाब से। हाँ तो ये डबल मीनिंग होती है इसकी, तो इसकी सही मीनिंग जो है वो बताओ क्या है। अब क्या तो रहे मतलब, जैसे कि तुम कोशिश कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग लॉन्ग दे दी थी 18 साल के बाद लड़की। लड़की क्या देने लायक हो जाती है? लेकिन होती है 18 साल के बाद ही, ऐसे नहीं कि पहले बात, मतलब लड़की या लड़का शादी होने के लायक हो जा? नहीं, शादी तो पहले भी कर लेते हैं, वो तो एक वो हो गया, नहीं तो 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 12 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं बहुत से, लेकिन वो ये जो पर्सन है ये 18 साल ही के बाद ही, उससे पहले नहीं कोई भी देता। 18 साल के बाद लड़की क्या देने लायक हो जाती है? सोचो। एक तो भैया तुम मतलब क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो हमारे से, डबल मीनिंग होती है ना इसकी, मतलब जो सही तरीका है मतलब वो बताओ। मतलब आपको तो पता होगा, लेकिन हमारे दिमाग में सारी
बस ये गंदी बात चल रही, मतलब गंदी बात चल रही है ना, कुछ ऐसी होगा। तो भाई सोच को बदलो, मैं आपसे पहले भी कहा था, देखो जब तक सोच नहीं बदलोगे ना, जब तक कुछ नहीं होने का, ठीक है ना। आपको पता है इस बात की, जवाब पता है आपको? नहीं पता। वो होता है वोट, 18 साल के बाद ही वोट वोट के लायक होती है, ठीक है ना। लड़की हो लड़का हो, मैं लड़की इसमें ले ली थी, लेकिन इसमें लड़का हो या लड़की हो, वोट जो है, ठीक है ना। नहीं बताओ आप, है नहीं कैसे। लास्ट और आखिरी सवाल, ऐसा क्या है जो नींद में खा रहा था, ऐसा क्या है जो नींद में खा रहा था। नींद में, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जवाब सही देना। ये इस वीडियो को बच्चे भी देख रहे हैं और बड़े भी देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या है जो नींद में खड़ा रहता है, कुछ तो बताओ यार। इसका जवाब मुझे नहीं पता, इसका जवाब नहीं पता, नहीं पता, नहीं मतलब बताना पड़ेगा, मतलब कुछ तो बताओ यार, उनसे पूछो। हाँ सही से पूछ रहा हूँ, हाँ जी आप बताओ, ऐसा क्या है जो नींद में खड़ा रहता है। नींद में, हाँ नींद में, मतलब जागते हुए भी खड़ा रहता है, लेकिन नींद में होने के बाद भी खड़ा रहता है। भैया फिर मतलब बात हुई ना, तुम सारे क्वेश्चन मतलब कुछ सवाल ऐसे पूछ रहे हो तुम्हारे से। हाँ तो जो सोच सही है वो लेगा ना, गलत मीनिंग में आपके जहन में मत लेगा, जो सोच सही है, जो सही आंसर है इसका वो लेगा, गलत तो लेके जाओ मत बिल्कुल भी। फिर भी जब भैया मतलब तुम गलत मतलब, क्या आ रहा गलत गलत तो बस क्या पूछो तुम, बहुत कुछ आ रहा गलत, तो गलत क्या आ रहा, फिर भी कुछ गलत आ रहा ध्यान में नहीं। मतलब सवाल को देखकर तो मतलब गलत ही है। हाँ जी हाँ, जैसे कि तुम कह रही हो सवाल तो गलत से लग रहा है, गलत से लग रहा, लेकिन है सही है। फिर भी कुछ तो बताओ। हाँ खड़ा क्या रह सकता है, खड़ा आदमी नींद से पहले खड़ा होके चलता है, मतलब आदमी तो वैसे भी खड़ा रहता है, लेकिन यह कि रात को नींद में, रात ऐसी क्या चीज़ है जो नींद में खड़ा रहता है। बस लास्ट और आखिरी सवाल, सोचो सोचो, इस सवाल का जवाब को तो पता ही नहीं क्या सकते हैं। ओ भाई कुछ तो जवाब दे। हाँ रात को, हाँ रात को नींद में भी, दिन हो या रात, रात सोने से पहले, सोने से पहले नहीं। मैं वो यहाँ दवाई देख रहा हूँ, जो एक खुराक सोने से पहले, एक खुराक सोने के बाद। रहता है नींद में खड़ा रहता है तो बस ये भैया नहीं आ रहा जहन में, नहीं आ रहा, मतलब सोच हमारे तो जो तुम्हारे तुमने पहले सवाल पूछे ना हमारे से, उसी की तरह इस पे भी उसी वही नजर जाएगी, गलत सोच जा रही है, गलत सोच जा रही है, नहीं पता। कुछ तो बताओ मैं, फिर भी कुछ आइडिया, मतलब कुछ आइडिया जहन में जो आ रहे हो वो बता दो। आइडिया तो बस, मतलब इसके अलावा जो कुछ और आ रहा हो उसके अलावा, इसके अलावा बस एक ही आ रहा है, मतलब जैसे कि कोई भी आदमी हो जब खाट पे जाकर लेट जा तो क्या खड़ा रहता है। हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हमारे पास यार तुमने एक बस एक सवाल का जवाब दिया तुमने, खाट 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 के सोती है, खाट के खड़ी होती है, खड़ी तो रहती है वो नींद में। अच्छा नींद में खड़ी हो जाती है खाट, नींद में खड़ी हो जा। हाँ अच्छा सही है, जवाब बता दो, रेडी ये घोड़ा, घोड़ा वो तभी भी देखना नींद में वो हमेशा खड़ा रहता है, बैठता नहीं, वो नींद में खड़ा खड़ा सोता रहता है। घोड़ा 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 बैठते ही नहीं, बैठता है, लेकिन जब वो सोता है ना खड़ा खड़ा भी तो खड़ा रहता है वो। कभी ट्राई करा होगा, कभी देख, कभी देखा होगा, नहीं देखा तो गौर से कभी देखना, घोड़ा देखोगे, घोड़ा ठीक। इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों कैसे लगे आपको वीडियो, वीडियो को नीचे कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के निशान को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब करें।